दोस्तों क्या होगा अगर आपका सामना दुनिया के सबसे जहरीले जानवर से हो जाए जिसका जहर साइनाइड से भी ज़्यादा तेज हो, और आपको ये भी पता हो कि आज तक इस जहर से लड़ने वाला कोई एंटीडोट या दवाई भी नहीं बनी है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों के बारे में, जिनके जहर की एक बूंद कई लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला सकती है। तो आइए जानते हैं इन जानवरों के बारे में जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। पफर फिश। इस मछली के आसपास अजीब से कांटे लगे होते हैं जो कि इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। पफर फिश एक ऐसी मछली है जो देखने में कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगती हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस मछली का जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज़्यादा तेज होता है, और इसी वजह से ये मछली हर साल लगभग 100 लोगों की जान ले लेती है। और जब ये मछली किसी को काटती है तो पहले इंसान पैरालाइज हो जाता है, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। ये मछली जापान, फिलीपींस, मैक्सिको जैसे देश में पाई जाती है। जापान के लोग इसको चाव से खाते हैं, ये जान के भी कि ये बहुत जहरीली होती है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस ऑक्टोपस पर ब्लू रिंग पाए जाते हैं। ये रिंग्स बहुत ही सुंदर, चमकीले और खूबसूरत और इसी वजह से शिकारी जानवर इस ऑक्टोपस की तरफ खींचे चले जाते हैं और खुद हमले का शिकार हो जाते हैं। इस ऑक्टोपस को केवल छूने से ही आप इसके जहर का शिकार हो सकते हैं। जहर हमारी आंखों और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अपना सीधा असर डालता है, जिससे जान भी जा सकती है, क्योंकि इसके जहर का कोई मात देने वाला कोई दवाई या एंटीडोट अभी तक नहीं बना। स्लो लॉरीज। कुछ एक छोटे से बंदर जैसा दिखने वाला ये जानवर भले ही भोला और शांत लगे, पर असल में ये बहुत खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जानवर दुनिया का सबसे जहरीला जानवरों में से एक है। अगर ये जानवर किसी को भी अपनी जीभ से भर ले तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। हालांकि समय पर इलाज मिलने से व्यक्ति को बचाया जा सकता है, और अक्सर इन जानवरों का शिकार वही लोग बनते हैं जो इनकी मासूमियत को देखकर इनको अपने घरों में पालने की कोशिश करते हैं या फिर इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी आंखों वाले ये जानवर रात के अंधेरों में भी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और अक्सर पेड़ों पर ही पाए जाते हैं। ये जानवर आम तौर पे चाइना, श्रीलंका, फिलीपींस और इंडिया में भी पाए जाते हैं। बॉक्स जेलीफिश। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाए जाने वाले ये मछली दुनिया भर के सभी जानवरों में सबसे खतरनाक है, और इस मछली को खतरनाक बनाता है इसका शरीर एक बॉक्स जैसा होता है, और इसी वजह से इस मछली का नाम बॉक्स जेलीफिश पड़ा है। बालों की तरह दिखने वाला इसका डंक 6 फीट से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, और इन्हीं डंक से ये मछली अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये मछली पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है, और इसी वजह से ये मछली लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, और पानी में इसके करीब आने का अंदाज़ा नहीं लगता। इसी बात का ये फ़ायदा उठा लेते हैं और आस पास आके डंक मार देते हैं। इस मछली के डंक मारने पर जान पर भी बन सकती है। डंक मारने के बाद इंसान के पास ज्यादा समय नहीं होता, और समय पे इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। डेथ स्टॉकर। दुनिया भर में वैसे तो स्कॉर्पियन की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि अलग अलग रंगों और अलग अलग शेप की होती हैं, लेकिन इन सभी स्पेसीज डेथ स्टॉकर का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसका कारण है इनका जहर, जो कि बाकी सभी स्कॉर्पियन से अलग गुना ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और जितने भी स्कॉर्पियन बाइट के केसेस दुनिया भर में होते हैं, उनमें से ज़्यादातर की जिम्मेदारी इन्हीं स्कॉर्पियन की होती है, इसलिए ये स्कॉर्पियन बहुत बदनाम है। इनकी बदनामी के कारण यही नहीं रुकते, ये स्कॉर्पियन जहरीले सांपों को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। अगर बात की जाए इंसानों की, तो इंसानों को भी अपना शिकार बनाते हैं, और मौका मिलते ही अपना डंक उनके शरीर पर दे मारते हैं। इनका डंक लगते ही इंसान पैरालाइज हो जाता है, और अगर सही समय पर इलाज ना हो तो उसकी मौत सुनिश्चित है। ब्लैक मामा। इन सांपों का मुंह अंदर से काला होता है, इसलिए इनका नाम ब्लैक मामा पड़ा है। दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिएचर की बात की जाए तो उसमें हमेशा की तरह ब्लैक मामा का नाम सबसे
ऊपर आता है और यह काफी लाजमी है। जिसकी रफ्तार तेज है और उससे भी तेज है इनका जहर। ये एक ही हमले में किसी भी जानवर या इंसान को मार सकते हैं। ये सांप बाकी सांपों के से खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि बाकी सारे सांप जहां सिर्फ चेहरे पर ही हमला करते हैं, वहीं ये सांप बिना छेड़े ही किसी भी इंसान पर हमला कर सकता है। स्टोन फिश, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मछलियां देखने में एक पत्थर यानी स्टोन जैसी होती हैं, क्योंकि ये खुद को किसी भी माहौल के हिसाब से ढाल लेती हैं। इन मछलियों के वजन 2 किलो तक हो सकता है और 20 इंच तक बड़े हो सकते हैं। समुन्द्र में रहने वाली ये मछलियां 10 सालों तक जिंदा रह सकती हैं। इनकी 5 प्रजातियां पूरी दुनिया भर में पाई जाती हैं। वैसे अगर आपका पैर इनके ऊपर पड़ जाए तो आप जान के लाले पड़ जाएंगे। जितना वजन इनके ऊपर पड़ता है उतना ही ये जहर प्रोड्यूस करती हैं। अपने डंक की मदद से ये स्टोन मछलियां को जहर निकलता है। वो इतना तेज होता है कि आपको अपना पैर भी कटवाना पड़ सकता है। इसके काटने की रफ्तार 0.15 सेकंड से भी कम होती है, जो कि पलक झपकने वाले समय से भी कम होती है। वंडरिंग स्पाइडर, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली मकड़ी कौन सी है? इस मकड़ी का नाम है वंडरिंग स्पाइडर, जो कि साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है। और ये ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि घरों और गाड़ियों में बहुत ही आसानी से पाए जाते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, इस मकड़ी का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। कारण है इसका जहर। अगर ये मकड़ी किसी भी इंसान को काट लेती है तो सबसे पहले उसका जहर ह्यूमन बॉडी सेल्स को नष्ट कर देता है, जिससे इंसान पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है और समय पर इलाज ना मिले तो इंसान की धीरे धीरे जान भी जा सकती है। कौन स्नेल, आपने नन्हे और प्यारे स्नेल को तो जरूर देखा होगा। वैसे तो ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन स्नेक के एक ऐसी भी प्रजाति है जो इंसानों को भी मार सकती है। यह 6 इंच का स्नेल एक नन्ही बल्कि 20 लोगों को एक साथ मारने की काबिलियत रखता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्नेल कितना जहरीला होता है। ये स्नेल दिखने में एक कोन की तरह होता है, इसलिए इसका नाम कोन स्नेक पड़ा है। हालांकि इस स्नेक को सिगरेट स्नेक भी कहते हैं, क्योंकि जितनी देर में एक सिगरेट खत्म होता है उतनी ही देर में इसके काटे हुए जानवर या इंसान की जान निकल जाती है। ये स्नेल अक्सर समुद्र तटों पर आसपास में पाए जाते हैं और हमले का डर होते ही ये तुरंत अपना डंक मार देते हैं, जिससे मौत पक्की है। इसके जहर से बचने का कोई दवाई या एंटीडोट नहीं बना। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, आपने आसपास मेंढक तो जरूर देखे होंगे। वो सब दिखने में बहुत ही सिंपल होते होंगे, लेकिन ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग दिखने में चमकीले और भड़कीले होते हैं, और ये जितना ज़्यादा चमकीले होते हैं उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी, जिसका कारण है इसका जहर। यह मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक है। यह मेंढक इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि इसे काटने के भी ज़रूरत नहीं होती, यानी आप इसको बस छू लो और काम तमाम। यह मेंढक अपनी चमकीली त्वचा की वजह से ही लोगों और जानवरों को ध्यान आकर्षित करता है, और इसी वजह से जब शिकारी इसके पास आता है तो वो खुद इसका शिकार बन जाता है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।